हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर, राशन कार्ड का जो 1000 रुपया है वो हमारा अभी तक नहीं आया है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहां पर सभी लोगों का जो है नहीं डाला गया था, कुछ लोगों का बाकी था। तो बहुत सारे लोगों का जो है आज पैसा 1000 रुपया उनके खाते में चला गया है। आज हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें मैसेज किया, मेल किया कि सर, जो हमारा राशन कार्ड का 1000 रुपया है वो हमें मिल चुका है। तो अब आपको हम बता दें कि अगर आपका खाते में अब तक पैसा नहीं आया है तो एक बार आप जाकर बैंक में पता कर लीजिए कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं आया है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, क्या उसे भी 1000 रुपया मिलेगा? जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे बिहार में, अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो बिहार में जो है इसको लेकर कुछ नए नए जो है नियम बनाए गए हैं, जिसमें आपको कोरोना सहायता के तहत जो बिहार के हैं लेकिन बिहार राज्य से दूसरे स्टेट में कहीं फंसे हुए, उनको 1000 रुपया मिल रहा है। और उसके अलावा जो बिहार में है राशन कार्ड धारक है, उनको भी 1000 रुपये यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको 1000 रुपया कैसे मिलेगा? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आपको 1000 रुपया मिलेगा और साथ ही साथ आपका राशन कार्ड भी बनेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से जीविका दीदी जो है सर्वे करके आपका नाम वहां पर सब मेंटेन कर रही है। मेंटेन करने के बाद जो है आपका राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। और हमने भी जमा किया था, हमारे आस पड़ोस गांव समाज का कुछ फॉर्म था, तो मैं जब वहां गया तो मुझे मालूम चला कि वो जो फॉर्मेट था वो जो चेंज हो गया है, ठीक है। तो वहां पर दूसरा फॉर्मेट आ गया है जिसमें एक एप्लीकेशन है, मैं आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चल के दिखा देता हूं। वहां पर साफ लिखा गया है कि राशन कार्ड धारियों को वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 1000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। तो ये आप खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपने फॉर्म जीविका दीदी को दे दिया है या आपके जो नगर पंचायत भवन में है कोई बैठे हुए हैं उनको आपने दे दिया है, तो आपका ये जो 1000 रुपया है आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से आ जाएगा। अब आप कैसे निकालोगे जीविका दीदी का नंबर, आपके एरिया के आपका क्षेत्र का कौन है, उनका नंबर क्या है, वो भी हम चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि वो जो फॉर्म है वो किस तरह से है, और ये फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते हो, ये फॉर्म ऑफिशियली जो है फिल होगा, ठीक है। उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड होता है तो वहां से वो फिल करेंगे। चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आप यहां देख पा रहे होंगे बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, यहां पर साफ बताया गया है कोरोना वायरस COVID-19 के बढ़ते संक्रमण तथा लॉकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों के अलावा वैसे परिवार जो राशन कार्ड के लिए अर्हता रखते हैं पर उनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से कोरोना सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते डीबीटी के माध्यम से भुगतान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहां पर दो लिंक दिया हुआ है, लिंक 1 और लिंक 2। यहां आप देख पा रहे होंगे aapda.bih.nic.in, ये है आपको फूड डीबीटी। ये आपको जो लिंक है ये काम करेगा सिर्फ उनके लिए जो ऑफिस वर्क करते हैं और जिनको इनका पासवर्ड और यूजर आईडी मिला होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी ठीक वही चीज़ लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण सूचना में आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा दें। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कोरोना वायरस COVID-19 के बढ़ते संक्रमण तथा लॉकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों के अलावा वैसे परिवार जो राशन कार्ड के लिए अर्हता रखते हैं पर उनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से कोरोना सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। महत्वपूर्ण बातें जो बताई जा रही हैं यहाँ पर वो ये है कि यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी हैं एवं परिवार के द्वारा केवल एक आवेदन ही भरा जाएगा। आपको बता दें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों के अलावा वैसे परिवार जो राशन कार्ड के लिए अर्हता रखते हैं यानी वो गरीबी रेखा में आते हैं, उनका राशन कार्ड बन सकता है लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
वो आवेदन कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या देना होगा। लाभार्थी के नाम से बैंक खाता जो बिहार राज्य में अवस्थित किसी भी बैंक में ब्रांच में हो चलेगा। मोबाइल नंबर अलर्ट देने के लिए आवश्यक है। कोरोना सहायता के रूप में 1000 रुपए प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। तो आपको बता दें, यहाँ पर लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद जो जीविका दीदी आपके यहाँ से फॉर्म लिया होगा वो फॉर्म जाकर वहाँ जो जमा करती हैं, तो यहाँ पर वो अपना यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इस कैप्चा को डालकर लॉगिन करके यहाँ से वो ऑनलाइन कर पाएंगे। ये जो है ये विभाग ही करेगा, आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भर के दे देना है जो जीविका दीदी के द्वारा आपको जो है लिया जा रहा है। चलिए अब आपको बता दें, जिनके पास राशन कार्ड है वो इस साइट से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, eps.bihar.gov.in। यहाँ से COVID-19 सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। मैंने पहले ही ऑलरेडी इस पर पहले वीडियो बना दिया था, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1000 रुपया लेने के लिए क्या क्या आपको करना है अगर आपके पास राशन कार्ड है तो, ठीक है। तो ये हो गया, जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी 1000 रुपया मिलेगा, और जो ये हो गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उनके लिए एक शर्त ये है कि उनको जो है फॉर्म जीविका दीदी को देना होगा, जब जाकर के उनका जो है 1000 रुपया मिलेगा, साथ ही उनका राशन कार्ड भी बन पाएगा। अब चलिए कुछ नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर दिखा दें। ये है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण का ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे कहते हैं कि आप जो न्यूज़ बनाते हो वो फेक रहता है, वो काम का नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो भी आपको बताता हूँ वो श्योर वेरीफाइड होता है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन बिल्कुल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यहाँ पर पत्रांक सारा कुछ दिया हुआ है। जो भी लेटर यहाँ से विज्ञापित किया जाता है वो यहीं से किया जाता है, और इसके माध्यम से आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं कि 19 तारीख को क्या आया, 20 तारीख को क्या आया, और आज 24 को है जो है क्या आया। तो यहाँ जैसे ही आप 19 तारीख पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर साफ लिखा गया है, साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों राशन कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न चावल भी उपलब्ध कराया जाना है। इस संदर्भ में कतिपय जिलों से प्राप्त लाभुकों को उनकी अनुमान्यता से कम मात्रा में खाद्यान्न मिलने, नियमित खाद्यान्न नहीं मिलने एवं खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो भी शिकायत आता है उसका जो है लेटर निकल जाता है। यदि यहाँ पर जो लिखा गया उसके तहत आपको नहीं मिलता है राशन, तो आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। किस नंबर पर कॉल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो नंबर मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं जीविका दीदी के बारे में। जीविका दीदी क्या है, कैसे जो है आपको मालूम चले कि कौन हमारा जीविका है और उससे हम जो है कैसे संपर्क करें, कैसे कॉन्टैक्ट करें। आपके यहाँ अगर कोई सर्वे में नहीं आया है, आपका नाम नहीं लिया है या आपने फॉर्म नहीं जमा किया है, तो आपको यहाँ पर उसका नंबर कैसे निकालना है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो तरीका ये है कि अगर आप पंचायत में रहते हैं तो अपने मुखिया से मिलिए, अगर आप वार्ड में रहते हैं तो अपने वार्ड पार्षद से मिलिए और उनसे पूछिए कि जो राशन कार्ड के लिए जो फॉर्म दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, या अगर वो ले रहे हैं तो उन्हीं को दे दीजिए और जो है भर भर करके जो है फॉर्म उनको जमा दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम जीविका समूह के से जुड़े किसी अधिकारी से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, हम उनसे बात करें, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ brlps.in आपको सर्च करना है गूगल में और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने चला आएगा। यहाँ अबाउट अस में जाना है। अबाउट अस में जाने के बाद यहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही ह्यूमन रिसोर्स पे आप अपना जो है कर्सर लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ स्टाफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, नेटवर्क का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके यहाँ भी ये थोड़ा स्लो खुले, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, पेशेंस रखना है। अब जैसे ही आपका ये जो पेज है वो ओपन होता है, खुलता है, तो उसके बाद का मैं क्या करना है आपको मैं आपको बता रहा हूँ। इस पेज को ओपन होने दीजिए। देखिए इस तरह से पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको सारा जो है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ये बड़े अधिकारी हैं, यानी स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जीविका के, ठीक है। तो ये स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यहाँ पर आपको सारा कुछ का लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 11 पेज दिया हुआ है, ठीक है। इनको फ़ोन अभी नहीं करना है, ये जब आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तब आप यहाँ पर फोन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का भी नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का भी नंबर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आप सबसे निचले यानी एल स्टाफ लिस्ट का नंबर जो है निकाल सकते हैं। एल स्टाफ लिस्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लें। एल स्टाफ में क्लिक करके ये आपको सारा जानकारी दे देंगे कि आपका जो है हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपका आवेदन लिया गया नहीं गया, कौन आपके यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, और सर्वे आपका हुआ है नहीं हुआ है।
तो ये सारा कुछ डिटेल्स में आपको जानकारी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिस्ट जो है पीडीएफ के रूप में ओपन हो रहा है। ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जिले का और फिर जिले के बाद आपको अपने प्रखंड का यहाँ पर नंबर जो है निकाल लेना है कि जीविका समूह के तहत आपके जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो कौन है। उनका नंबर निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपके राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप, आपको फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप इसको कंप्यूटर में चेक कर रहे हैं तो आप सिंपली कंट्रोल बटन दबेंगे और एफ बटन दबेंगे, उसके बाद आप अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया और यहाँ पर वो जो मैनेजर है उनका भी नाम आ गया, साथ में यहाँ पर आपको नंबर भी मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रखंड का नाम इस तरह से सिलेक्ट डाल देना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके प्रखंड का भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो सभी आपका प्रखंड होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से जो भी आपका प्रखंड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए आपका नाम भी यहाँ पर बताया गया है, नवीन कुमार, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एरिया CO ऑर्डिनेटर हैं ये, उनके मोबाइल नंबर जो है बगल में लिखा गया है। इस मोबाइल नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, सारा जानकारी ले सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, इस तरह से आप जो है पूछ सकते हैं। तो ये था कुछ आज का लेटेस्ट अपडेट, मैंने पूरा विस्तार से समझा दिया आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपको चेक कर लेना है अपने बैंक में जा करके, आपका 1000 रुपया आ गया होगा अगर आपका खाता DBT से लिंक होगा तो। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है फिर भी आपको 1000 रुपये मिलेगा, उसके लिए आपको जीविका के पास ये फॉर्म जमा करना होगा, जिसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। खाद्य आपूर्ति से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो इस वाले साइट में आता है, ये भी हमने आपको बता दिया, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज रोजाना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब फ्यूचर में लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके सबसे पहले। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।